हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग सभी लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे को बहुत दिन के बाद आप लोग देख रहे हो। तो गाइस, मैं ये वीडियो पे आने का कारण सिर्फ यही है, सबका सवाल है क्या आर्यन रूम्पा को छोड़ के चला गया, क्या आर्यन रूम्पा ने आर्यन को छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब लोग हम लोग मिलके ही है। मैं ऑफिस के कारण मैं इधर आया हूँ। रूम्पा को पता है, रूम्पा की मेरी डेली वीडियो कॉलिंग पे बात होती है और मुझे भी रूम्पा के साथ बांग्लादेश जाना था, बिकॉज मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देना है एक बहुत लोगों को। तो मेरा वर्क बहुत प्रेशर में है, इसलिए मैं नहीं जा सका। वहाँ से डेली बात होती है क्योंकि रूम्पा की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसलिए रूम्पा ने दवाई लेके गया है। तो सब लोग इतना कॉमेंट कर रहे हो, मैं आज ही इतने दिनों के बाद इतना फ्री होकर मैं आज ही चेक किया हूँ कॉमेंट। तो यह जहाँ पर ठहरा हूँ मैं, यही जगह पर रहता हूँ, वहाँ पे ही मेरा बास्केटबॉल कोर्ट है, देखो उधर ही खेलता हूँ हम लोग। और ये बिल्डिंग के पीछे ही हमारा ऑफिस है, ये बिल्डिंग के पीछे, तो इधर ही मैं गेम खेलता हूँ और इधर ही मैं ये जहाँ पे ठहरा हूँ मैं इधर ही रहता हूँ। तो अभी क्या बोलते, कुछ महीनों के बाद मैं आऊँगा अपना गाजना के पास। सब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि आर्यन ने छोड़ दिया रूम्पा को, क्या रूम्पा ने आर्यन को, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलने वाले बहुत चलते रहते हैं, बहुत ही अफवाहें उठा रहे हैं, बहुत ही कुछ कुछ क्या क्या की बोल रहे हैं वहाँ पे, हर जगह पे, मैं जहाँ पे रह के आया उधर भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं बहुत दिनों के बाद फ्री होके आया हूँ मैं इधर। आप देख सकते हो मैं जैसा था वैसे ही हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ है मेरे उसमें। तो रूम्पा की दादी की हेल्थ ख़राब है, तो मैं भी जाने वाला था उधर, किसी कारण नहीं जा सका, बिकॉज मुझे बहुत यहाँ से ट्रेन लेने के लिए दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं गया। तो आप लोग कुछ गलत मत समझना गाइस, मैं आऊँगा जल्दी ही, मेरे रूम्पा के वीडियो बहुत सारे आएंगे। गंदे सोचो मत, गंदे बातें मत सोचो, गंदे कॉमेंट्स मत करो। हाँ, करने वाले कर लो, जो जलते हैं हमसे कर लो, ठीक है? तो चलो, बहुत दिनों के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बोलना। और अभी जस्ट रूम्पा डेली मुझे वीडियो कॉल पे बात होती है रूम्पा की, वो दादी भी बोल रही है आने के लिए उधर बांग्लादेश। मैं बोला अभी नहीं आ सकता क्योंकि अभी इधर हूँ, तो अभी सब कुछ वो अच्छा है। कुछ दिनों में बांग्लादेश से रूम्पा आने वाली है गाजना पे, मैं भी कुछ महीनों में मैं भी आऊँगा। तो चलो गाइज, अभी बस इतना ही, क्योंकि अभी मेरे को फिर ऑफिस का टाइम हो रहा है, ऑफिस भी जाना है। तो अभी बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग। हाँ, एक ही बात लास्ट में बोलता हूँ, चाहे ज़मीन और आसमान एक हो जाए, रूम्पा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? दिल से प्यार गया हूँ, हमेशा मरते दम तक उसके साथ रहूँगा। जिसके जिसके माइंड में डाउट है वहाँ से निकाल दो डाउट, ठीक है? तो चलो गाइस, बस इतना ही बोलना था। तो बारिश आने का टाइम हो गया, देखो बारिश भी आ रहा है, बारिश में शूट कर रहा हूँ, छींटे पड़ रहा है बारिश। यहाँ पे हैदराबाद में इतना बारिश पड़ रहा है कि यहाँ तक पैर तक पूरा डूब चुका है। तो मैं भी ज़्यादा ऑफिस से सब कुछ बंद है, नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है, तो मैं इसलिए छत पे आके कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रूम पे ही करता था, बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो गाइस चलो, अभी आज के लिए इतना ही। तो जल्दी ही मेरा और रूम्पा का आपको वीडियो दिखने वाले हैं, मैं भी कुछ महीनों में जाने वाला हूँ फिर, ये पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो माइंड से डाउट सब कुछ निकाल दो, तो बी हैप्पी, सब लोग खुश रहो। आज के लिए इतना ही गाइस, तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा ब्लॉग में, बिकॉज बहुत ही मेरे को भी ख्वाहिश है कि मैं भी शूट करूँ, रील्स बनाऊँ और अपना शॉर्ट वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पर। तो चलो, तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।